गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज कृपाली सी संज्ञा एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, राइट? हमने इसके दो पार्ट देख ली है अब तक। पहले पार्ट में हमने शब्दार्थ सीखे थे और दूसरे पार्ट में हमने इसका एक्सप्लेनेशन समझा था, राइट? पहले पार्ट में शब्दार्थ और उसका एक्सप्लेनेशन, दूसरे पार्ट में हमने टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज थी वो समझ ली थी। अब इस तीसरे पार्ट में मैं आपको अभ्यास पुस्तिका में हम कैसे लिखेंगे वो समझाऊंगी, राइट? उसके एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, राइट? ताकि आपको पहले जो समझने में दिक्कत हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि अभ्यास पुस्तिका कैसे लिखते हैं, वो समझ में आ जाएगा, राइट? तो बच्चों, आपकी अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 26, उसका चैप्टर नंबर 7, फलों की सभा का सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद ही होंगे, और मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट? बच्चों, यहाँ पे बीच बीच में आपको यहाँ पे जो अभ्यास पुस्तिका का जिस पेज से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके पेजेस भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, राइट? तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पे लिखना है, राइट? मैं फिर भी पेज नंबर तो वहाँ पे आपको बोल बोल कर कहूँगी ही, राइट? तो बच्चों, वहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन तो दिखाई दे रहे हैं 1 और 2, मतलब कि वहाँ पे क और ख की दो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि फलों का राजा कौन है और क्यों? बच्चों, आपको पूछा है कि फलों का राजा कौन है, ये क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में भी था पर पीछे क्यों वो वाला नहीं था, राइट? तो उसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि फलों का राजा आपको तो पता ही है कौन है बच्चों। यस, फलों का राजा आम है। आम का स्वाद सबको भाता है क्योंकि यह त्वचा को साफ रखता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, इसीलिए आम फलों का राजा है। बच्चों, आम फलों का राजा है, उसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है, इसीलिए वो सबको भाता है, ये त्वचा को साफ रखता है और इसको खाने के कारण हमारी आंखों की रोशनी भी तेज हो जाती है। तो बच्चों, आम में इतने सारे फायदे होते हैं तो आम तो फलों का राजा है, राइट? इसके कारण ही हमको फलों का राजा बनाया गया है, राइट? तो कुछ तो बात होगी ना बच्चों, हमारे आम देश विदेश में काफ़ी मशहूर है। हम तो यहाँ मीडियम क्वालिटी के आम खाते हैं पर बच्चों, हमारे से भी बढ़िया क्वालिटी के आम हमारे देश से वहाँ पर पहुँचाते हैं हम लोग, राइट बच्चों? क्योंकि हमारे आम बहुत ही फेमस होते हैं, पूरे वर्ल्ड में हमारे आम बहुत फेमस है। बच्चों, आम के लिए कौन सा शहर, मतलब कि कौन सा सिटी बहुत ही फेमस है आपको याद होना चाहिए। यस, जूनागढ़ आम के लिए बहुत ही फेमस है। फिर कच्छ भी तो है, राइट बच्चों? तो ये दो तीन जो है ना सिटी, वो आम को बहुत अच्छी तरह से और बढ़िया क्वालिटी के आम पकाते हैं, राइट? फिर क्वेश्चन नंबर 2, ख दिया गया है। विटामिन सी वाले फलों को खाने से क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है बच्चों विटामिन सी, मतलब कि कौन से फलों में से हमें विटामिन सी मिलता है आपको पता है? यस, खट्टे फलों में से हमें विटामिन सी मिलता है। तो तीन फल यहाँ पे दिए गए थे, एक नींबू, नारंगी और अंगूर। बच्चों, इसमें से विटामिन सी मिलते हैं, अन्य कई सारे फल है बच्चों, राइट? तो विटामिन सी वाले फलों को खाने से हमें क्या लाभ मिलता है वो आंसर यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। विटामिन सी वाले फलों को खाने से पेट ठीक रहता है, मतलब कि हमारा जो पेट होता है वो ठीक से काम करता है, अच्छे से काम करता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं रहती है। विटामिन सी हमें जब मिल जाए तो हमारा पेट अच्छे से काम करता है। रक्त के कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आती रक्त के कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आती है, आंखों की दृष्टि में सुधार होता है,
त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार होता है। बच्चों कोलेस्ट्रॉल मतलब के जो लो आपणे तमे सांभळ्यु होय के लोहीनुं दबाण ऊंचू थई जाय छे नीचू थई जाय छे तो डॉक्टर एने होय ने एम कहे छे के तमारे तमारो कोलेस्ट्रॉल होय एने मीडियम लेवलमां राखवानुं छे राइट। तो विटामिन सी वाला फळ खावाथी आपणो जे લોહીનું દબાણ હોય છે ઈ આમ મીડિયમ આપણે જેટલું હોવું જોઈએ એટલું રહે છે એટલે એના સ્તરમાં પણ કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર વધી જાય તો બાળકો ઈ બહુ હાનિકારક છે આપણા માટે રાઈટ। તો વિટામિન સી વાળા ફળ ખાવાથી કોલેસ્ટ્રોલના સ્તર મતલબ કે એના લેવલમાં પણ કમી આવે છે રાઈટ। એટલે કે એ આપણા માટે સારું છે, કોલેસ્ટ્રોલ જેટલું નીચું રહે એ આપણા માટે બહુ જ ફાયદો છે। आँखों की दृष्टि में सुधार होता है मतलब कि आँखों की दृष्टि मतलब कि हमारी देखने की शक्ति होती है वो तेज हो जाती है, हम बहुत आसानी से सारी चीज़ें देख सकते हैं। मतलब कि हम छोटे अभी तो बच्चों हम छोटे बच्चों को भी देखते हैं उसको भी चश्मे आ गए मतलब कि उसको भी चश्मे आ गए होते हैं मतलब कि वो जब देखो तब ये इन्हें का सहारा लेकर ही स्कूल आते हैं यानी कि मैं भी इसमें आ जाती हूँ बच्चों। बहुत छोटी उम्र उम्र में हमें ये पहनना पड़ता है। तो बच्चों विटामिन सी वाले फल खाने से हमारी आँखों की दृष्टि भी अच्छी होती है राइट। त्वचा के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है मतलब कि आम से भी त्वचा साफ रहती थी फिर विटामिन सी वाले सारे फल खाने से भी हमारे त्वचा के स्वास्थ्य मतलब कि अपनी जे स्किन ने लगता डिसीज हो मतलब कि अपना स्किन ना बधा रोग हो चामड़ी ने लगता रोग हो एमा पण सुधारो आवे छे मतलब कि अपने कोई चामड़ी नो प्रॉब्लम रहतो ज नथी बाळको। तो बाळको फळ खावाथी अपनी चामड़ी ने फायदो थाय छे, अपनी आँखों ने फायदो थाय छे, अपना लोही ने पण एम वधारे सारू सुधारी शकाय छे, पेट में पण फायदो रहे छे। तो बाळको फळ तो बहु इम्पोर्टंट होय छे ने तो फळ तो अपने खावा जोईए राइट। तमे पण बाळको आजथी डिसाइड कर लो रोज एक फळ खावानुं छे, पछी चाहे केळुं होय सफरजन होय कोई पण फळ होय सीजन ने लगता बधा ज फ्रूट खावा जोईए। अने बाळको एक महत्वनी एक अने एक इम्पोर्टंट वस्तु के फळ ने हमेशा धोईने अने एने पछी लूछीने गरम पाणीथी धोई अने लूछीने ज खावा जोईए કેમ કે ફેરિયાઓ હોય છે એને અટ્રેક્ટિવ બનાવવા માટે એની ઉપર ઘણા બધા કેમિકલ ને એવું લગાડતા હોય છે। જેવી રીતે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે એપલ હોય એ એટલું બધું રેડ ના હોય, આપણે બજારમાં જોઈએ ને તો એપલ એકદમ રેડ રેડ હોય એકદમ સ્પાર્કલિંગ હોય આપણે આઈઝને બહુ અટ્રેક્ટ કરતું હોય રાઈટ। તો ઘરે આપણે આવી અને એને ધોઈ નાખવું જોઈએ ગરમ પાણીથી, એ એટલે અટ્રેક્ટિવ દેખાતું હોય કેમ કે એની ઉપર રેડ કલરનું વેક્સ લગાડેલું હોય, વેક્સ મતલબ કે એક મીણ એટલે એટલે એટલું અટ્રેક્ટિવ દેખાતું હોય રાઈટ। પછી બાળકો બધા એવું કરે એવું જરૂરી નથી, પણ આપણને જે બહુ અટ્રેક્ટિવ ફ્રૂટ્સ લાગતા હોય ને એને તો ખાસ ધોવા જોઈએ કેમ કે જેટલી વસ્તુ સોનાની દેખાતી હોય એટલી બધી સોનાની તો ના હોય ને બાળકો। તો આપણે બધા બજારમાંથી લાવેલા ફ્રૂટ્સને ગરમ પાણીમાં ધોઈ એને સૂકવી અને પછી જ ખાવા જોઈએ રાઈટ। એટલે એમાં જે ઉપર હાનિકારક કેમિકલ્સ કે કોઈ જંતુ કે કંઈ લાગી ગયું હોય તો એ નીકળી જાય રાઈટ। અને મેં હજી એક વસ્તુ કીધી હતી કે ક્યારેય કાપેલા ફ્રૂટ્સ લેવા ના જોઈએ રાઈટ યસ। હવે ક્વેશ્ચન નંબર 2 પેજ નંબર 27 યહાં પે આપકો દિખાઈ દે રહા હૈ રાઈટ। પાઠ પઢકર ખાલી જગહ કો ભરીએ, પહેલી બ્લેન્ક દી ગઈ હે, ઇસ સભા મેં આપ સબકા બ્લેન્ક હે તો ક્યા આયેગા, સબકા ક્યા હે, સ્વાગત હે। દૂસરા મુજે ખુશી હૈ કે મેરે ખાલી જગ્યા પર આપ સબ યહાં બ્લેન્ક। हाँ बच्चों यहाँ पे दो ब्लैंक्स दी गई है तो पहली ब्लैंक में आएगा निमंत्रण और या दूसरी ब्लैंक में आएगा पधारे। तीसरा यह तो हमारा ब्लैंक है महाराज, फिर एक साथ सब फल बोलते हैं कि यह तो हमारा सौभाग्य है महाराज तो ब्लैंक में आएगा सौभाग्य। सौभाग्य ना मतलब शू था तो यस सौभाग्य मतलब कि अच्छा भाग्य। फिर चौथी खाली जगह चौथी ब्लैंक दी गई है मैं अपनी प्रशंसा ब्लैंक में आएगा
प्रशंसा। फिर पांचवी ब्लैंक दी गई है, ब्लैंक ऊंट ब्लैंक, फिर दिया गया है का ऊंट मुझे खाकर अपनी प्यास बुझाता है। ऊंट कहाँ का रहने वाला होता है बच्चों? यस, आप बोलेंगे कि ऊंट तो रण में रहे छे, तो अपने हिंदी नो एक वर्ड हतो रण माटे रेगिस्तान, अने ने बीजो शब्द हतो एनो सिमिलर वर्ड मरुस्थल। तो आपणे लखवानुं छे कि रेगिस्तान का ऊंट मुझे खाकर अपनी प्यास बुझाता है, राइट? तो बाळको आ क्वेश्चन नंबर 3, किसने किससे कहा है, मतलब कि ये तो आपको तभी आएगा जब आपने पूरे चैप्टर की लाइन टू लाइन अच्छे से ध्यान से सुनी होगी या समझी होगी, राइट? पहला दिया गया है क, आप सबका स्वागत है, किसने कहा? तो ये सबका स्वागत पहले कौन कर रहा था? यस, आम कर रहा था। तो ये बोलता है किसने कहा, तो यहाँ आएगा आम ने कहा है। फिर नीचे दिया गया है किससे कहा है, तो आम किससे कह रहा था बच्चों? यस, वो सभी फलों से कह रहा था कि आप सबका स्वागत है। फिर बच्चों ख दिया गया है, यह तो मेरा सौभाग्य है, तो ये किसने कहा है बच्चों? तो ये नारंगी ने कहा है कि यह तो मेरा सौभाग्य है। फिर वो किससे कहती है? वो आम से कहती है कि यह तो महाराज मेरा सौभाग्य है, राइट? तो पहले कौन बोलता है, बाद में किसे कहता है, वो हमें लिखना है, राइट? अपने गुजराती में आवे छे कौन बोले छे अने कोने कहे छे, राइट? ई वाळुं छे आ, પણ આમાં અલગ અલગ બ્લેન્ક આપેલી છે અને લખેલું આપ્યું છે કે કિસને કહા કિસે કહા, રાઈટ? એટલે બાળકો જરાય કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું, રાઈટ? ફિર ગ દિયા ગયા હે બચ્ચો, મેં તો વિટામિન સી સે ભરા હું અવેસે વાળા પહેલે હી કોણ બોલ દેતા હે? યસ, નિંબુ બોલ દેતા હે, નિંબુ કિસે કહેતા હે? યસ, નિંબુ નારંગી સે કહેતા હે, નારંગી મેં ભી વિટામિન સી થા બચ્ચો, पर ये पर्टिकुलर सेंटेंस नींबू बोलता है, राइट? मतलब क्या चौक्स वाक्य नींबू बोले छे, એટલે અહીંયા આવશે નિંબુ, રાઈટ? આમાં જરે કન્ફ્યુઝ ન થાતા, તમે વિટામિન સી જોઈને વળી નિંબુ પણ લખશો, નારંગી લખશો અને કોક વળી દ્રાક્ષ પણ લખશે, પણ નહીં બાળકો, આપણે વાક્ય પહેલાં વાંચવાનું, રાઈટ? એટલે આ વાક્યમાં નિંબુ બોલે છે અને નારંગીને કહે છે, રાઈટ? હવે પેજને ટર્ન કરો, પેજ નંબર 28, રાઈટ? અહીંયા તમને જોવા મળે છે રેખા ખીચ કર શબ્દ કા અર્થ મિલાન કરો, શબ્દ કે શબ્દ ઓર અર્થ કા મિલાન કરો, મતલબ કે અહીંયા શબ્દ આપ્યો છે અને અહીંયા એનો અર્થ આપ્યો છે, આ આપણા શબ્દાર્થ છે, રાઈટ બાળકો? તો તમને જોડકા જોડતા તો આવડશે જ, રાઈટ? પણ ક્યારે આવડશે? જ્યારે એક એક શબ્દનો અર્થ તમને આવડતો હશે, રાઈટ? તો પહેલો આપેલો છે સિંહાસન, તો અર્થમાંથી આપણે ગોતવાનું કે સિંહાસનનો અર્થ શું થાય, તો આપણને તરત યાદ આવશે કે રાજા કે બેઠને કે સ્થાન કો સિંહાસન કહેતે હૈ, તો સિંહાસન કો રાજા કે બેઠને કે સ્થાન સે મિલાન કરના હૈ, રાઈટ બચ્ચો? હો ગઈ ને બિલકુલ સિમ્પલ, યસ. ફિર સૌભાગ્ય, સૌભાગ્ય મતલબ કે અચ્છા ભાગ્ય, તો વહાં મિલાન કરના હૈ. ઉદ્દેશ્ય, તો લક્ષ્ય. સત્ય, તો સચ. શક્તિ, તો તાકાત. અને રેગિસ્તાન, તો મરુસ્થળ, રાઈટ બાળકો? તો આને તમારે જોડકા જોડી દેવાના છે. પછી ક્વેશ્ચન નંબર 5 આપેલો છે કે સ યા સ લગાકર શબ્દ પૂરે કરો, રાઈટ? તો બાળકો આને લખવા માટે તમને એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે ક્યાં સ લાગશે અને ક્યાં સ લાગશે, રાઈટ બાળકો? આપણે ત્રણ પ્રકારના સ હોય છે, એક આ સ મીંડાવાળો, એક આ સફાટીઓ અને એક આ સસલાનો સ. તો આ ત્રણમાંથી કયો સ આપણે અત્યારે આ સને નથી જોવાનું, રાઈટ? અને નથી જોવાનું, આ બેમાંથી આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે કયો સ આપણે અત્યારે ખાલી જગ્યામાં લખવાનો છે. તો પહેલી ખાલી જગ્યા આપેલી છે બ્લેન્ક બ, તો આનાથી કયો શબ્દ બને છે, આપણે કઈ ફ્રૂટનું નામ બને છે? યસ, સેબ, રાઈટ? સેબ બને છે, રાઈટ? આપણે આવી રીતના ખાલી જગ્યા આપેલી છે. પછી બીજું આપેલું છે બાળકો બ્લેન્ક લ
ग म, તો આ બને છે સલગમ. તો અહીંયા આપણે આ સ લખવાનો છે, રાઈટ? સમજાણો ને, ફ્રૂટના જ નામ છે, પણ આપણે ઓલી ખબર છે પિક્ચર કેમ રમીએ છીએ, રાઈટ? અહીંયા બ્લેન્કમાં પિક્ચરનું નામ લખેલું હોય છે અને પછી આપણે પિક્ચરનું નામ બોલીએ છીએ ને એક એક અક્ષર લખાય છે, તો એવી જ આ ફ્રૂટની પઝલવાળી ગેમ છે, રાઈટ? તો આપણે અહીંયા આપણે આ ફ્રૂટના નામ લખીએ. પછી આપેલું છે, સોરી, રાઈટ? આવી રીતે આપેલું છે તોરા. તોરા એટલે અહીં શું બને? સંતરા. તો સંતરામાં સસલાનો સ આવે, રાઈટ? સમજાઈ ગયું બાળકો? પછી ચોથું આપેલું છે સેમ. સેમ ભી બચ્ચો ફલ કા હી નામ હે, હા? ફિર પાંચમાં દિયા ગયા હે શહતૂત. તો ઇસમે ये पहला सा आएगा, राइट? तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, राइट? अब आता है क्वेश्चन नंबर 6. चित्र को देखो और लिखो कि इसमें कौन से विटामिन होते हैं. पहला दिया गया है आम. तो आम में कौन सा विटामिन होता है बच्चों? आम में विटामिन ए और आम में विटामिन सी दोनों होते हैं. बच्चों मैंने आपको वर्कशीट के साथ पिक्चर खींच के सारे भेजे ही है, राइट? तो आपने मैंने जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा, राइट? कोई उल्टा सीधा नहीं लिखेगा, अपने मन से कुछ लिखेगा ही नहीं, राइट? फिर दूसरा फल दिए गए हैं केले का, राइट? तो केला लिखना है ऊपर और नीचे ब्लैंक प्लेस दी गई है. उसमें किस कोई कोई फल में 2 विटामिन होते हैं, 3 होते हैं, तो सारे के सारे जितने विटामिन होते हैं उसने उतने लिखने ही है, राइट? ऐसा नहीं कि एक ही ब्लैंक दी गई है तो एक ही विटामिन का नाम लिखेंगे, राइट? ऐसा नहीं करना है. हमें दोनों के 2 हो या 3 हो, जितने भी विटामिन उनसे हमें मिलते हैं वो सारे के सारे मेंशन करने हैं, राइट? केला तो उसमें विटामिन बी भी होता है और सी भी होता है, राइट? फिर संतरा, तो संतरे से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सी. तो वहाँ पर लिखना है विटामिन सी. फिर सेब दिया गया है बच्चों, तो सेब से विटामिन सी मिलता है. आप सोच रहे हो सेब कहाँ खट्टा होता है, पर सेब बच्चों खट्टा भी होता है मीठा भी होता है, राइट? तो जो जो फल खट्टे होते हैं उसमें विटामिन सी आता है, और जो मीठे होते हैं उसमें तो कई सारे विटामिन फल के अनुरूप आते हैं, राइट? अंगूर में विटामिन सी होता है, नींबू में विटामिन सी होता है. यहाँ पर नींबू का आंसर दिया ही गया है कि विटामिन सी उनसे मिलता है, राइट? फिर तरबूज दिया गया है बच्चों, तरबूज में से हमें विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन B6 मिलता है. तो बच्चों तरबूज में तो 3 विटामिन है, कौन कौन से? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6. विटामिन बी पछी 6 लखेलू छे बाळको, ए तमारे कम्पलसरी लखवानू छे, राइट? विटामिन B6 એ વિટામિનનું નામ છે, રાઈટ? જેવી રીતના A, B, C, D, રાઈટ? તો એવી જ રીતના B6 પણ વિટામિનનું નામ છે, એ તમારે લખવાનું રહેશે. પછી પપીતા, તો એમાંથી આપણને વિટામિન A મળે છે. પછી અનાનસ, તો અનાનસમાંથી આપણને વિટામિન સી મળે છે, રાઈટ? પછી એક્ટિવિટી આપી છે બાળકો તમારી ફેવરિટ, કે ફલો કે રાજા આમ કે ચિત્ર કો રંગો સે સજાઓ, મતલબ કે અહીંયા કેરીનું ચિત્ર આપેલું છે, રાઈટ? તો તમારે તમારી અભ્યાસ પુસ્તિકામાં રંગ પૂરવાના છે, પણ બાળકો બહુ જ વ્યવસ્થિત કલર પૂરજો, કેમ કે તમે સ્કેચ પેન કલર પૂરો છો ત્યારે તમારે પાછળનું પેજ પણ બગડી ગયું હોય છે, રાઈટ? તો એમાં પાછળ ઉઠે નહીં એવી રીતે તમારે કલર પૂરવાના રહેશે. ચાહે તો તમે કોઈ પેન્સિલ કલર યુઝ કરી શકો છો, યા તમે મીડિયા કલર પણ યુઝ કરી શકો છો, રાઈટ? આ એક્ટિવિટી તો તમારી ફેવરિટ છે કે કેરીમાં કલર પૂરવો. બાળકો હવે આપણું ચેપ્ટર નંબર 7 તો પૂરું થઈ ગયું, હવે આપણે મળીશું આગલા વિડીયો લેક્ચરમાં નવા ચેપ્ટરની સાથે, રાઈટ? ત્યાં સુધી બાય.